वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज ये वाला व्लॉग है रक्षाबंधन स्पेशल। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे राखियाँ बनाई थी। वो तो मेरे टाइम पे ना, मैं एक टीचर से बात कर रही थी तो उन टीचर ने बोला बेटा वीडियो बना के मुझे भी दिखाओ। तो उससे याद आया कि चलो यूट्यूबर्स को भी दिखा देते हैं जो आते हैं वीडियो देखने मेरी। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे बनाई है और साथ में किससे भी सुनाएंगे, भाई बहन वाले सारे कज़िन भाई हैं मेरे, भाई भी नहीं भैया ही है, एक ही भाई है। और ये एक भैया हैं, मैं अभी आपसे आपको मिलवाती हूँ उनसे। छोटू सा हाथ है उनका, हर रक्षाबंधन पे मैं उनको राखी बांधती हूँ पहले से। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ इनका जाना पक्का होता है। वो होते हैं वहाँ पे पहले से, पर वो मेरे साथ भी जाते हैं। तो मिलिए मेरे छोटू से हाथ वाले गन्नू भैया से। इनकी राखी हर साल चेंज होती है क्योंकि यही धागे आते हैं इनके हाथ में। डिज़ाइनर राखी हम बांध नहीं सकते, वो इनके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी ना। आखिर इनको भी तो चाहिए ना रक्षा का बंधन अपनी एक बहन से, इसीलिए मैं इनको भी बांधती हूँ। तो ये है हमारे गन्नू भैया, बचपन से ही गन्नू भैया बुलाते हैं वो, बाद में पता लगा कि और भी लोग बुलाते हैं। तो अब आप देखिए ट्यूटोरियल कि आखिर ये राखी हमने बनाई कैसे। हम खुद हाथ से बना के भेजते अपने भाइयों को। तो आप देखिए ट्यूटोरियल, तब तक मैं पीछे से आवाज़ देती हूँ ना आपको, किससे सुनाती हूँ। तो डियर भाई, जब भी हम आते हैं कृपया कर पबजी थोड़ा सा साइड रख के हमसे भी बात कर लीजिए, क्योंकि पबजी 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 करते करते ना हम बोर हो जाते हैं। सच्ची बता रही हूँ, बोर हो जाते हैं। अब एक भैया थे मेरे, वो क्या करते थे, जब भी हम जाते थे उनके घर, थे नहीं हैं अभी भी हैं, तो वो हमेशा ना आवाज़ रिकॉर्ड करते थे। मैं ऐसे, हे भगवान, हमेशा आवाज़ रिकॉर्ड करते रहते हो। और अब मैं वो काम करती हूँ अपने भांजी भांजियों से, मतलब मैं सबसे छोटी बहन हूँ घर में, कज़िन्स में सबसे छोटी हूँ मैं। तो बड़े मज़े करे हैं हमने। फिर तीन भाई हैं, उनको मैं आज तक बोलती हूँ कि मुझको सहस्त्र धारा में डुबाने की कोशिश करी थी, वो एक्चुअली खेल रहे थे, बट उनको मैं आज भी बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरे को सहस्त्र धारा में डुबाने की कोशिश की। अब क्या करें, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा पहली वाली वीडियो में दीदी ने बताया था कि मुझे लहरों से और गहरे पानी से डर लगता है, और वे लोग उसी में डुबकी लगवा रहे थे मेरे को, तो मैं तो डर ही जाऊंगी ना, छोटा सा बच्चा था मैं। तो ये किस्से थे। और एक मेरा छोटू सा भाई है, गोल मटोल सा, उसके बड़े गाल खींचे हैं पर अब उसने दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिया ताकि मैं अपने इकलौते छोटे भाई के गाल ना खींच सकूं। तो आप सोच सकते हैं, क्या ही बताऊँ मैं, अब मैं गाल भी नहीं खींच सकती उस छोटे भाई के। हाँ, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई, मतलब शाम से यहाँ, तब से मैंने राखी बांधनी शुरू करी ना, तो मुझे थोड़ी पता था कि भाई अपने सिर के ऊपर, सिर को ढक के बहन के पैर छूते हैं, मेरे को थोड़ी पता था। अब मेरा जो भैया हैं यहाँ वाले, उन्होंने छुआ, कहते वो, फिर वो कहते अब अगर मैं तेरी पैर नहीं छूँगा तो तू बोलेगी कि छुए नहीं। अब मुझे क्या पता था, अब उस दिन से भैया ने बताया तो अब हर रक्षाबंधन पर मैं टांग खींचती हूँ उनकी, छुओ छुओ। अब छोटी बहन से थोड़े तो मज़े होने चाहिए ना, पता लगना चाहिए भाई है। तो ऐसे ऐसे किस्से हैं मज़ेदार मज़ेदार से। और अभी कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ आपको साइड में ऊपर कहीं अटैच करके, क्योंकि ये ट्यूटोरियल तो चल रहा है ना। तो मेरी भांजी आती है मेरे भतीजे को राखी बांधने के लिए, इतनी सज धज के आते हैं, ओ ले ले, ओके डैट वाज टू क्यूट। क्योंकि मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मतलब एकदम परांदा वरांदा लगा के सज धज के एक छोटी सी प्यारी सी राखी छोटी सी कलाई में बांधते हैं, ओले, आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मज़ेदार मज़ेदार है। तो ऐसे ऐसे किस्से हैं मज़ेदार मज़ेदार से। तो एक मैसेज है, डियर भाई, हर रक्षाबंधन गिफ्ट्स की बात नहीं होती है, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद योर सिस्टर। तो कृपया कर मोबाइल साइड रखें, थोड़ी बातें बातें करें, ठीक है, ताकि हम किससे और बता सकें ऐसे ऐसे वाले मज़ेदार मज़ेदार से। इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट्स, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। रक्षा का बंधन है, आपको पता है रक्षाबंधन है ये। तो हैप्पी रक्षाबंधन जितने भी भाई देख रहे हैं। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई कि मैं अपनी दीदी को भी राखी बांधती थी, और अब जब आएगी तब भी बांधते होते हैं, वो मेरे नाम की खुद ही बांध लेती होती है वैसे तो। तो वो भी किस्से हैं बांधे हैं हमने बहन बहन में भी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रदर सिस्टर, मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो अबाउट सिस्टर सिस्टर। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त करता है, धन्यवाद।